आपको दे रही हैं। उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 अक्टूबर को पीएम का दौरा प्रस्तावित है। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे। और बता दें आपको कि सीएम थामी ने जानकारी दी है कि पीएम का दौरा प्रस्तावित है। जनता चाहती है कि पीएम उत्तराखंड आए। मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मंत्री बलवंत गणेश जोशी पूर्व मंत्री बलवंत भौराले को कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी दी है मुख्यमंत्री थामी ने। 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके दौरे को लेकर जानकारी दी है मुख्यमंत्री थामी ने। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कन्फर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा, और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है, और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस शुभ आगमन के। तो बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर जानकारी दी है मुख्यमंत्री धामी ने। उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है उत्तराखंड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए। अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अजीत, जाना चाहूंगी मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कि 12 अक्टूबर को वो उत्तराखंड आ सकते हैं पिथौरागढ़ में, क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए, पिथौरागढ़ में एक राजनीतिक रैली है और वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनके दो कार्यक्रम अलग अलग लगे हुए हैं। तो जौलीकुंभ के पास जो आदि कैलाश मानसरोवर और ओम पर्वत का जो पवित्र स्थान है, वहां पर उनके जाने का एक कार्यक्रम टेंटेटिव है। वो चूंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस समय भारत सरकार के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, जिस तरह से केदारनाथ है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा चूंकि इस समय डिस्कनेक्ट है, और अभी तक ये यात्रा दूसरे देशों से या नेपाल या तिब्बत से होकर होती रही है, तो अब जो है वो अंदर से ही एक रास्ता निकाला गया है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा तक जाए। तो प्रधानमंत्री के वहां जाने की भी एक तैयारी है कि वो ओम पर्वत पर भी जाएंगे, अगर उस समय मौसम की स्थिति ठीक रही तो। और उसके चूंकि वहां पर ऑक्सीजन बेहद कम है, ठंड बहुत पड़ रही है, तो वो परिस्थितियों के अनुसार होगा कि प्रधानमंत्री ओम पर्वत के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और इसके अलावा वहीं पर एक नारायण आश्रम है, वहां पर भी उनके जाने का कार्यक्रम है, वो भी घाटी में नीचे की तरफ है, उसमें भी थोड़ा अगर परिस्थितियां ठीक रही तो जाएंगे। अभी ये टेंटेटिव प्रोग्राम इनका है, और पिथौरागढ़ में जो जनसभा उनकी होनी है, तो पिथौरागढ़ की जनसभा अभी जैसा मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका दौरा प्रस्तावित है, और ये पिथौरागढ़ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और इस मामले को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु हेलीकॉप्टर से गुंजी और जौलीकुंभ और आदि कैलाश और नारायण आश्रम पिथौरागढ़ सबका दौरा करके आ चुके हैं। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो चुका है वहां पर, चूंकि आर्मी का भी एरिया है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इस बात को एकदम सतर्कता के साथ इसका अनुसरण कर रहा है। तो ये अभी चूंकि एक प्रस्तावित दौरा है, लेकिन उनके आने की ज्यादा संभावना है। जी चलिए ठीक है, अजीत बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। तो वही पहाड़ में निवेश